हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में यहाँ पर आपको तेजी डेफिनेटली देखने को मिली, लेकिन फिर से स्टॉक में करेक्शन है। कैंडल की विग आपको यहाँ पर दिख रही है जो कि एक लंबी विग बन चुकी है और कैंडल का पैटर्न बन चुका है शूटिंग स्टार। आगे यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस हो सकता है इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे अगर आप देखेंगे तो 238 रुपए के आसपास स्टॉक ऊपर की तरफ आता है और यहां पर हम देखते हैं स्टॉक में तेजी दिखाई दी, कहां तक कि लगभग 285, फिर गिरावट हुई लगभग 240 तक की। एक बार फिर से आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, 307 पे जाने के बाद फिर से स्टॉक में गिरावट हुई, 238 तक जाने के बाद फिर तेजी, फिर से गिरावट 238 तक की, और फाइनली हमने देखा 307 का जो क्रिटिकल लेवल था जहां पर स्टॉक क्या कर रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था और फाइनली यहीं पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया और इस ब्रेकआउट का स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई और फिर से स्टॉक यहाँ से 380 रुपये तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन 380 पे जाने के बाद स्टॉक में आपको शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये शूटिंग स्टार यहाँ से गिरावट करता है तो डेफिनेटली एक बार फिर से आपको स्टॉक 300 रुपये तक आता हुआ दिखाई देगा और एक अच्छी तेजी के बाद जब यहाँ पर कोई उल्टा कैंडल बनता है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें गिरावट दिखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको अलर्ट रहना होगा, यदि गिरावट होती है तो स्टॉक एक बार फिर से आपको 300 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है।